welcome students we are going to learn this new poem from subject english 2.6 friends forever let's sing and enjoy the poem before that will you answer me do you have friends aapko friends hai if you have friends do you like your friends aapko friends तो आपको आपके फ्रेंड्स पसंद है टू गेट एंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन लेट सिंग एंड अंडरस्टैंड दिस पोएम लिसन सिंग एंड एक्ट मेक न्यू फ्रेंड्स बट कीप ओल्ड मेक न्यू फ्रेंड्स बट कीप ओल्ड वन इज़ सिल्वर एंड अदर गोल्ड One is silver and the other gold. A circle is round, it has no end. A circle is round, it has no end. That's how long I will be your friend. That's how long I will be your friend. Across the land, across the sea. Across the land, across the sea, friends forever, we will always be. Friends forever, we will always be. Students, did you like the poem? Do you like to make new friends? इस पoem में हम new friends बनाने वाले हैं क्योंकि friends हमें हर एक काम में मदद करते हैं। कभी हम कुछ परेशान हो कभी हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं उस समय हमारे फ्रेंड्स किसी भी काम में हमें हमेशा मदद करते हैं मेक न्यू फ्रेंड्स बट कीप द ओल्ड वन इज सिल्वर एंड दी अदर गोल्ड हमें न्यू फ्रेंड्स बनाना है लेकिन हमें यह भूलना नहीं कि जो हमारे ओल्ड फ्रेंड्स है उन्हें भी हमें फ्रेंड्स रखना है ओन इज सिल्वर एंड दी अदर गोल्ड हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वह सिल्वर और गोल्ड जैसे कीमती होते हैं अ सर्कल इज राउंड इट हैज़ नो एंड दैट्स हाउ लॉन्ग आई विल बी योर फ्रेंड जैसे सर्कल होता है सर्कल को कभी भी एंड नहीं होता है वैसे ही हमारी फ्रेंडशिप को कभी भी एंड नहीं होना चाहिए हमें हमेशा के लिए कंटिन्यूसली फ्रेंड्स होना चाहिए एक्रॉस द लैंड द सी फ्रेंड्स फॉर एवर वी विल ऑलवेज बी स्टूडेंट्स हम जमीन समंदर या आकाश हम कौन से भी जगह पर होंगे तो भी हम एक दूसरे के लिए हमेशा फ्रेंड्स ही रहेंगे वी विल बी ऑलवेज फ्रेंड्स स्टूडेंट्स फाइंड एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स इस क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं पोएम में से हमें उस वर्ड्स के लिए राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करना है राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स देट आर हैविंग सेम साउंड फर्स्ट वर्ड इज ओल्ड ओल्ड इस वर्ड के लिए कौन सा राइमिंग वर्ड्स पोएम में है यस वेरी नाइस गोल्ड ओल्ड गोल्ड बोथ वर्ड्स आर हैविंग सेम साउंड सेकेंड सी सी के लिए कौन सा वर्ड राइमिंग वर्ड है बी सी बी थर्ड वर्ड एंड एंड इस वर्ड के लिए कौन सा राइमिंग वर्ड पोएम में है वेरी नाइस फ्रेंड एंड फ्रेंड बुथ आर हैविंग सेम साउंड नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव आपको कितने फ्रेंड्स है एंड टेल फाइव टू सिक्स सेंटेंसेस अबाउट यूर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आपको एक से ज़्यादा फ्रेंड्स हो सकते हैं तो आप यू कैन राइट हेयर आई हैव मैनी फ्रेंड्स if you have 5 6 friends you can write here i have five friends i have six friends whatever but if you have many friends you can write i have many friends then we have to write five to six sentences about the friend tushar is my best friend he helps me in my work my friend is Funny as well as clever, we sit, study, and play together at school. Tushar and I stay in the same locality. He also gave me nice gift on my birthday. With the same way, you have to add some more sentences about your friend. Look and say. Students, you have to read these words F -r -i -e -n -d -s, FRIENDS, Friends, -e SILVER, Silver, LAND, Land, -e -e FOREVER, Forever, GOLD, Gold, -e, CIRCLE, Circle, ROUND, Round a-c-r-o-s-s -S -S across thank you for watching this video